बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इस मुस्कान फातिमा फ्रॉम दी एजुकेटर्स प्री सोसाइटी कैंपस शिदादपुर। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 7। एज यू नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड अवर यूनिट नंबर 1, सो हेयर इज़ योर यूनिट नंबर 2, काइंड्स ऑफ एनिमल्स। द नेम ऑफ योर यूनिट नंबर 2 इज़ काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के किस्म। ओके, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। As you know that before starting any unit, first we do its word meanings. So here are the word meanings of unit number 2, kinds of animals. We will go through the word meanings. Pay concentration. The first word is fin. F-I-N, fin. What is the meaning of fin? Pur. F-I-N, fin. Fin means pur. That means wings. Wings of any animals. Or here this is used for fish. Fishes use fin for swimming in water. Okay, the second word is span. S-P-E-N-D, span. What is the second word? Span. S-P-E-N-D, span. Span means vakt guzarna. Span means vakt guzarna. As we spend our most of time in studying, or we spend our most of time in doing homework. Okay. Number 3, predator. P-R-E-D-A-T-O-R, predator. Number 3rd is predator. Predator means shikari. Predator means shikari. Like a predator is in the forest. Okay. Number 4th is weather. W-E-A-T-H-E-R, weather. W-E-A-T-H-E-R, weather. Weather means mausam. What is the meaning of weather? Mausam. Okay, like today's weather is so sunny. Number 5th is strip. S-T-R-I-P-E, strip. What is the number 5? Strip. S-T-R-I-P-E, strip. Strip means dhari or lakeer. What is the meaning of a strip? Dhari or lakeer. As angelfish have strips, yellow and blue strips on its body. Number 6 is scare. S-C-A-R-E, scare. Scare means darana or khofzada hona. What is the meaning of a scare? Darana ya phir khofzada hona. As we say that the lion scares us. Number 7 is throat. T-H-R-O-A-T, throat. What is the meaning of throat? Gala ya phir halak. What is the meaning of throat? Gala ya phir halak. The eighth and last word is resemble. R-E-S-E-M-B-L-E, resemble. Resemble means ek jaisa nazar aana. What is the meaning of resemble? Ek jaisa nazar aana. Like the baby elephant resembles with its parents. Okay, here I will show you some pictures to explain the word meanings more clearly. This is a picture of fin of fishes. As I have told you that, जैसे कि मैंने आपको बताया कि fin का मतलब होता है पर, मछली के पर, जिसको वो use करती है swimming के during. जैसे वो gills को use करती है breathing के लिए. हमने पिछले chapter में पढ़ा था कि फिशेस गिल्स यूज़ करती हैं ब्रीथिंग के लिए, गलफड़े, और फिन्स को यूज़ करती हैं स्विमिंग के लिए. जैसे यहाँ पर डिफरेंट फिन्स हैं, लाइक डॉर्सल फिन, एडिपॉस फिन, एनल फिन, कॉडल फिन, पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स. दीज ऑल आर द फिन्स ऑफ अ फिश. ये सब क्या हैं? फिश की फिन्स हैं. ओके, फिन्स हैं, फिश के पर हैं जिनसे ये स्विम करती हैं, स्विमिंग करने में इनकी हेल्प होती है. ओके, अच्छा ये क्या है? स्ट्रिप्स. स्ट्रिप, स्ट्रिप की मीनिंग हमने क्या पढ़ी थी? धारी या फिर लकीर. लाइक सी दीज आर द स्ट्रिप्स ऑफ फिशेस. ये येलो येलो कलर की स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये स्ट्रिप्स होती हैं, इनकी लकीरें. इनसे क्या होता है, ये इन स्ट्रिप्स से ये अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से बचती हैं, क्योंकि ये स्केरी होती हैं, डरावनी, खौफनाक होती हैं, और इनसे, इनकी मदद से इनके दुश्मन इनसे डर जाते हैं. ठीक है, और ये क्या है? ये जानवर आपको एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे हिप्पोपोटामस, ये दोनों एक जैसे हैं. जिराफ, ये दोनों भी एक जैसे हैं.
ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रिजेम्बल करते हैं। रिजेम्बल मतलब एक जैसे, ठीक है। इसी तरह से कुछ जानवर हैं जो रिजेम्बल नहीं करते एक दूसरे से, जैसे टेडपोल और फ्रॉग, वो दोनों एक दूसरे से रिजेम्बल नहीं करते, पर ये जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ये एक दूसरे से रिजेम्बल करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। ओके, नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम। योर होमवर्क इज़ टू लर्न ऑल द वर्ड मीनिंग्स ऑफ यूनिट नंबर 2। दीज आर जस्ट 8 वर्ड मीनिंग्स, यू हैव टू लर्न दैम एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन रफ कॉपी, टेस्ट ऑन रफ कॉपी एंड देन सेंड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आई विल चेक। थैंक यू सो मच।